हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान्स किचन रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। देखिए कितने अच्छे बने हैं, इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने दानेदार भी बने हैं। देख लेते हैं आज मैंने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम बेसन डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल बेसन लिया है और यहाँ पे हाफ बाउल मैंने यहाँ पे घी लिया था। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ और अच्छे से भून लेंगे। इसको हम एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे और अच्छे से बेसन को और घी को अच्छे से भूनेंगे। बेसन को हम लगातार हिलाते हुए भून लेंगे और इसमें से जब तक थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तब तक इसको भूनेंगे। देखिए ये बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बेसन हमारा लगभग ठंडा होने आया है, थोड़ा थोड़ा सा ही गर्म है। इस स्टेज पे हम ये हाफ बाउल मैंने यहाँ पे चीनी ली है पिसी हुई डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने चीनी के पाउडर को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसके हम इस प्रकार से गोल गोल लड्डू बनाएंगे, इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हम गोल गोल लड्डू बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से बनाकर हम इसके ऊपर एक बादाम की कतरन और एक पिस्ते की कतरन इस प्रकार से हम लगा के सभी बेसन के लड्डू तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हम सारे बेसन के लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बेसन के लड्डू बनकर रेडी है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स।